जी आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया, आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। हमारे आज यूट्यूब चैनल पर हमने इनवाइट किया है, बहुत काफी दिनों के बाद अपीयर हो रही हैं मारवी सरमा साहिबा, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। एक बहुत नोन और बहुत काबिल लेडी हैं और जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीजन जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, इसके अलावा अपना एक ई पेपर भी निकालती हैं और प्रोफेसर भी हैं। मारवी सरमा साहबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मारवी जी, बात यह है कि जब मेरी आपसे इससे पहले बात हुई थी, काफी दिन पहले, उस वक्त हालात मुल्क के ऐसे नहीं थे, बढ़ रहे थे इस तरफ, लेकिन हम इस किनारे पर या इस पॉइंट पर नहीं पहुंचे। एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, इकोनॉमी का जो क्राइसिस है वो आपको मालूम है, तो इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देख रही हैं पाकिस्तान की ये हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में? अभी तक हम जहां पहुंची, इस वक्त जो हो रहा है, क्या कहेंगी इसके ऊपर? थैंक यू। बहुत बहुत ही अफसोसनाक से सिचुएशन है, जिसमें जाहिर है कि खुशी तो किसी को नहीं हो रही होगी। एक ऐसी कैफियत है, देखकर ऐसा लगता है कि वही पुरानी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा शिद्दत के साथ दोहराई जा रही हैं। और कल अगर जद पर नवाज शरीफ की पार्टी थी, तो आज जद पर इमरान खान की पार्टी है। और ये वो सिचुएशन है जिसके बारे में हम बहुत साल पहले जो है वो कहने लगे थे, जब 2018 के इलेक्शन होने वाले थे। और उस टाइम पर जिस तरह का जबर शुरू हो चुका था, खासतौर पे मीडिया को जिस तरह से बांदी बनाकर, और एक खास पार्टी, खास किस्म के सियासतदानों को उनका उनके लिए एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट की जा रही थी, उनकी जो है वो एक पॉलिटिकल ताकत बनाई जा रही थी, और पॉलिटिकल लीडर वॉज बींग कार्व्ड आउट आउट ऑफ नथिंगनेस। और उस वक्त हम कहते थे इन लोगों को जो पीटीआई में शामिल हो रहे थे, जॉक दर जॉक, और बहुत ऊंची आवाज में बात करते थे, बहुत एरोगेंस के साथ बात करते थे। उनमें हमारे दोस्त भी थे, जानने वाले भी थे, और हम उनको कहते थे कि भाई वो वक्त दूर नहीं है जब आप हमसे कहेंगे कि भाई हमें डिफेंड करो, और हमें आपको डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वही जो जबरदस्त ताकतें हैं जो आज नवाज शरीफ को पर उंगली उठा रही है, वो कल आपके ऊपर उठाएंगी और आपको ज्यादा तकलीफ होगी। और आज देखिए तकलीफ ज्यादा हो रही है। इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब, जब उनकी पार्टी जो है वो यही हरकतें जो है वो लाडला उस वक्त नवाज शरीफ था, और ये हरकतें पीपल्स पार्टी के साथ किया करती थी, तो तब भी हम यही कहते थे। तो मेरा ख्याल है हम इतने पुराने हो गए हैं, हम अपनी बात इतनी रिपीट करते चले जा रहे हैं कि हम वही के वही हैं, और बदला इधर भी कुछ नहीं है। अभी जो लोग ये समझ रहे हैं कि ओहो इन्होंने गन डाला था, अब यही साफ कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अजीब बात है, बहुत अजीब बात है। यानी आप देखिए कि आप एक ताकत, इनकी इस्टेब्लिशमेंट की ताकत में मजीद इजाफा कर रहे हैं। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि इमरान खान को इन्होंने पैदा किया था, अब वो खुद ही इसको उखाड़ पिछाड़ रहे हैं, लिहाजा यही एक ये एक बहुत उम्दा हल है। क्यों उम्दा हल है? क्योंकि आपकी अदालतों में तो सारे के सारे प्रो इमरान जजेस बैठे हुए हैं, या ज्यादातर तादाद उनकी है, लिहाजा वहां पर तो सुनवाई होती नहीं। तो अब यही हल है कि मिलिट्री की आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में फैसले हों, और वो अपने जिस तरीके से भी फैसले करे वो करे। तो आपका क्या ख्याल है, इस जमहूरियत की बड़ी खिदमत हो जाएगी? इमरान खान प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहले रिपीट कर चुका, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, मैं इसको यहाँ पर रिपीट करूंगी एक बार फिर, इमरान खान प्रॉब्लम नहीं है, वो एक प्रॉब्लम का सिम्टम है। जो प्रॉब्लम है वो वही है जो आज आपको मीडिया का भी गला घोंट रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मीडिया, जो मीडिया में अब आप लोग हमारे सब दोस्त वोस्त बैठे हुए हैं, और किसी ना किसी तरीके से अपनी बात जो है वो कहते रहते हैं या कोशिश करते रहते हैं, मैंने उनके अंदर इतना खौफ जितना आज मैं देख रही हूँ वो 2018 के इलेक्शंस के दरमियान दौरान भी नहीं था। और इमरान खान की, हालांकि बहुत खौफ की सिचुएशन थी, आप समझती हैं, बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान से आना पड़ा, वापस यहाँ पर आना पड़ा, हम लोगों को आना पड़ा, लेकिन मैं ये समझती हूँ आज जो खौफ की सिचुएशन है वो उससे ज्यादा है। आप एक ट्वीट कर देते हैं जिसमें आप किसी का नाम लिए बगैर ट्वीट करते हैं, कोई बात मुझे किसी ने कही, मैंने उसको ट्वीट कर दिया नाम लिए बगैर, उस शख्स का मुझे फोन आता है और वो कहता है आपको पता नहीं है यहाँ पे क्या हालात है, इनको पता चल जाएगा आप किसकी बात कर रहे हैं, आप ये ट्वीट को डिलीट कर दें। इतना खौफ मैंने पहले कभी नहीं देखा।
तो ये क्यों हो रहा है? ये जो जबर की कैफियत है, ये जमहूरियत की खिदमत नहीं करेगी। इमरान खान को एलिमिनेट करवा लेंगे आप इस तरह, मगर इसके बाद जो जबर वाली ताकतें होती हैं, जबर करने वाली, वो इतने लंबे अरसे के लिए मजीद ताकतवर हो जाएंगी कि फिर उनसे जान छुड़ाने के लिए आपके मजीद 20-25 साल, 30 साल जाया हो जाएंगे। अभी इमरान खान को जिसे आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं, वो एक सिर्फ सिम्टम था जिसने आपकी कौम के 20-25 साल जाया कर दिए। अब आप सोचिए कि इसको, इससे जान छुड़ाने के लिए आप उस को दावत देंगे कि हाँ तुम इस गंद को साफ करो, तो वो जाबिर करेगा क्या आपके साथ? आपके 20-25 साल नहीं, 50 साल कहीं नहीं गए। तो मुझे तो ये फिक्र खाई जा रही है कि अब जब जब बहुत एक बड़ा हिस्सा है जो है वो पॉलिटिकल सोसाइटी का और सिविल सोसाइटी का, अगर इन दोनों ने तस्लीम कर लिया कि ये इसी तरह इसका हल यही है कि मिलिट्री जो है कोर्ट्स में हो और आर्मी एक्ट के तहत हो, और तभी ये गन सा, ये मैं बार बार कह रही हूँ, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिम्टम है। खुदा के लिए बुखार का इलाज करने के बजाय कैंसर का इलाज कीजिए। जी, आपने इस वक्त के जो हालात हैं उस पे तबसरा फरमाया और मैं एग्री करती हूँ आपकी बहुत सी बातों से। क्या आपको लगता है कि आगे अनकरीब इलेक्शन होंगे और नई हुकूमत बनेगी? अच्छा, बहुत से हमारे दोस्त जो हैं वो, क्योंकि मैं ग्राउंड पे नहीं हूँ तो मेरी जो भी मालूमात है वो सेकंड हैंड है, आप लोगों के थ्रू ही मुझे मालूम होती है, जो आप लोगों के प्रोग्राम्स देखती हूँ उसके थ्रू पता चलती है, अखबार पढ़ती हूँ उसके थ्रू पता चलती है। तो डायरेक्ट जो बराह रास्त गुफ्तगू कर लिया करते थे पॉलिटिशियंस, अब वो व्हाट्सएप से बहुत खाइफ हो गए हैं। व्हाट्सएप के ऊपर गुफ्तगू करने से सब बहुत घबराते हैं। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि मेरी मालूमात सेकेंड हैंड है। लेकिन इसके बावजूद, और आप में से मेजॉरिटी दोस्तों का ये ख्याल है कि इंतखाबात हो जाएंगे, अक्टूबर में नहीं होंगे तो नवंबर में हो जाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर में हो जाएंगे, मगर मेरी गट फीलिंग अभी भी यही है कि इतना सब कुछ जो किया गया है और जो हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा कि एक दफ़ा फिर इंतखाबात हों और उसमें इमरान खान की पार्टी जो है या वही लोग जो हैं वो किसी और तरीके से आ जाएं। अब ये जो नई पार्टी बनी है, इसमें ये तो देखने में लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को कोई इतना खास मसला नहीं है इन लोगों से। जब तक ये लोग उनकी दाढ़ के नीचे हों और इस बात को याद रखें कि हु इज़ द फादर, हु इज़ द डैडी, तो तब तक उनके वजूद से इनको कोई मसला नहीं है। तो वो पीटीआई में रहें या आईपीपी बना लें या इंडिपेंडेंट्स की हैसियत से इलेक्शन लड़ें या पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी के अंदर समा जाए, इससे उन्हें कोई गर्ज नहीं है। उनको गर्ज ये है कि जिस तरीके से पीटीआई चल रही थी और जिस तरह से इमरान खान उसको एक नैरेटिव का को लीड कर रहे थे, उस तरह से वो ना हो, क्योंकि उस तरह से होना उनके इस्टेब्लिशमेंट की जो डीप स्टेट है उसमें उनके हक में नहीं जाता। उनको अपना कंट्रोल चाहिए पावर पे और रिसोर्सेस के ऊपर। उनको ये नहीं चाहिए कि वो लार्जर देन लाइफ जो है एक लीडर को बिल्ड कर दे, जैसे इमरान खान को बिल्ड किया गया था, और उसके बाद वो उन्हीं को आंखें दिखाए। अब उन्हें छोटे छोटे बोने चाहिए, ड्वार्फ चाहिए, और वो ड्वार्फ मुख्तलिफ पार्टीज में हो सकते हैं, छोटी छोटी पार्टीज, उनकी पॉकेट्स बनाई जाए, पंजाब में मलहूबा बना लिया जाए, क्योंकि वो पंजाब मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ की पार्टी के हवाले नहीं करना चाहेंगे, तो वो पंजाब में उनको इस किस्म के बोने चाहिए होंगे। आईपीपी टाइप के तहरीके लब्बैक को भी खत्म नहीं किया गया, बल्कि उसको आप ये देखिएगा कि वो आने वाले वक्तों में शायद उसका वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट रहे या ज्यादा हो जाए। तो पंजाब में इस मोनोपोली को उन्होंने तोड़ने की कोशिश करेंगे, और इसी तरह से वो ये मोनोपोली सिंध में पीपल्स पार्टी की तोड़ने की कोशिश करेंगे, और पीपल्स पार्टी इसको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही, वो बहुत आई थिंक कंप्लेसेंट है इस मामले में। उनको पूरा यकीन है कि सिंध के अंदर उनको कोई हटा नहीं सकता, तो जाहिर है कि हिला तो नहीं सकता फिलहाल की जो सिचुएशन है, मगर उनकी मोनोपोली को इसी तरह से छोटे ग्रुप्स जीडीए टाइप के वो करके, और जिस तरह से उन्होंने कराची के अंदर जमात इस्लामी को खड़ा किया, पाक सरजमीन और MQM 1 2 3 पाकिस्तान, ये वो इसी तरह से मजीद मलगूबे जो हैं वो तैयार किए जाएंगे, जो कि पीपल्स पार्टी की मुकम्मल अक्सरियत जो डिसाइडेड अक्सरियत है सिंध से, उसको डिस्टर्ब किया जाए, और इसी तरह से एक डिस्टर्ब्ड किस्म की, वीक किस्म की कोएलिशन जो है वो अलाई जाए। जब तक उसका मुकम्मल इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन नहीं होंगे।
अगर ये इंतजाम जो है, और हाँ, और इस मामले में उनको अदालतों को भी मुकम्मल उनके कंट्रोल में होना होगा। जब तक अदालतें भी उनके कंट्रोल में नहीं आ जाती, तब तक जो है, अब ये है कि उनको मालूम, ये काजी फाइज ईसा वगैरह का जो हमारा ख्याल है कि वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि कोई स्पेशल प्रोजेक्ट भी शायद आपको तुलू होता हुआ नजर आए, जिसके तहत उनको भी इतना डिसरिगार्ड किया जाएगा, डिस्क्रेडिट किया जाएगा कि उनका भी चीफ जस्टिस बनना मुमकिन ना रहे, और उसमें मौजूदा हुकूमत को इस्तेमाल किया जाएगा। और मौजूदा हुकूमत, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जो जमातें वगैरह हैं, इनको इस्तेमाल होने में कोई, अभी तक तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि उनको इस्तेमाल होने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखने वाला जज अगर चीफ जस्टिस बन जाता है तो सब प्रॉब्लम में होंगे, कोई भी ये नहीं चाहता। तो इस तरह की पोजीशंस पे अब सबको, सबके इंटरेस्ट में है कि जावेद इकबाल जैसा कॉम्प्रोमाइज किस्म का आदमी हो। तो जब तक ये तमाम इंतजामात नहीं हो जाते, तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे। अगर ये इंतजामात परसों कंप्लीट हो जाते हैं तो परसों हो जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं होता ये, तब तक मुझे नहीं नजर आता कि इलेक्शंस होंगे। ठीक। अच्छा, आपने कहा कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं, लेकिन मैं उनमें शामिल नहीं हूँ। मैं भी इस बात से डिसएग्री कर रही हूँ। मैंने काफी दिन पहले भी प्रोग्राम्स किए थे जिसमें मैंने कहा था कि ऐसे मसले नजर नहीं आ रहे। हाँ, तो अच्छा, अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि आपने ये कहा कि एक वो भी है ना, यानी जो इस्तेमाल होने का है, वैसे तो हमेशा ही अगर इकतदार का हो लालच तो पार्टियां इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, चलो हम आ रहे हैं, तो इस वक्त भी आपको ऐसा नजर आ रहा है कि एक तो ये कि इक्तदार मिल जाए, दूसरा ये कि क्योंकि इमरान खान है तो जो एक कन्फ्रंटेशन है और जो इंतकाम है और वो सब चल रहा है, पहले भी जो माजी है, रिसेंट पास्ट में जो कुछ हुआ है, तो उसको देखते हुए इस वक्त ये नहीं देखा जा रहा कि हम आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इस बिना पर क्या होने जा रहा है, बस सिर्फ ये है कि इक्तदार मिल जाए। क्या आप ऐसा देख रहे हैं? नहीं, ये बहुत सिंपलिस्टिक होगा कि सिर्फ इकतदार मिल जाए और उसके लिए सब। मेरा ख्याल है कि देखिए, जो सियासत होती है ना, उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि आप इकतदार में आए ताकि आप वो तमाम तब्दीलियां जिसका आपने वादा अपने मंशूर में किया है, जिसकी बेस पे आप इलेक्शन जीतते हैं, जिसकी बेस पे आप सियासत की गेम में हैं, आप उसके ऊपर कुछ अमली इकदाम कर सकें। और अगर आप, और हमारे जैसे मुल्कों में होता है कि वो अमली इकदाम सिर्फ और सिर्फ इकतदार में आकर ही किए जाते हैं, जो इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज हैं उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन में भी अपना किरदार इस तरीके से अदा करती हैं कि जो जो अमली इकदाम जिसका उन्होंने वादा किया होता है, एक्चुअली वो लोगों को नजर आ रहे होते हैं कि वो ऑपोजिशन में रहकर भी उसी का दिफा कर रहे हैं। मगर हमारे यहाँ ऑपोजिशन का मतलब इमरान खान के, खास तौर पर इमरान खान के तुलू के बाद यही समझ में आया कि ऑपोजिशन का मतलब ये होता है कि वो हकूमत की टांग खींचती रहे और हकूमत को इस्तेकाम से दूर रखे, और ये ऑपोजिशन का रोल होता है। इसके अलावा अब हमारे सियासतदानों को कोई रोल मालूम नहीं है, तो उनके लिए सबसे एक बेसिक पॉइंट ये है कि वो इकतदार में हो ताकि वो जो है कंट्रोल उनके पास हो पॉलिसी का। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये जो पार्टियां, खासतौर पे तीन पार्टियां, मेजर पार्टियां हैं जो इस वक्त जिनके पास, मैं उसको इकतदार नहीं कहती, इनको रूलिंग भी नहीं कहना चाहिए, ये ऑफिस में है बस, यू नो, दे हैव द ऑफिस, दे हैव द चेयर, अदरवाइज इनके पास कोई खास इख्तियार है नहीं। वरना सबसे पहला तो ये था कि बहुत से इकदाम करने वाले थे, जस्टिस जावेद इकबाल को नहीं हिला सके वो, जहाँ पर वो थे, जो गुमशुदा अफराद की का कमीशन था, वो वहां पर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ आपने सेक्सुअल हरासमेंट का मुकदमा तक नहीं बनाया। वो औरत बेचारी, उसने वो वीडियो तक ले आई सामने, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कुछ नहीं हुआ। और हमारे मीडिया पर्सन्स भी, एंकरान जो हैं, साहिबान और साहिबाएं, वो भी बस ऐसे चलते चलते जिक्र कर देते हैं, वो जी वो तो वीडियोज आई थी, लेकिन कोई मुतालबा ही नहीं कर रहा कि भाई वो वीडियोज आई थी तो उसके बाद क्या हुआ, अब ये हुकूमत आ गई है तो कुछ करे। तो कहने का मतलब ये है कि इस हुकूमत के पास तो कोई इतना वो है नहीं, और आई डोंट थिंक कि वो इसको असर्ट करना भी चाहते हैं, बिकॉज उनका ये ख्याल है कि अगर वो इस तरह से निकल जाए, जैसे पानी वो निकल, तो पंजाबी में कहते हैं चीता विचो निकलना, कि पानी जो है वो अपना रास्ता बनाता है ना, कि सामने रुकावटें होती हैं मगर वो नीचे से, इधर से, दर्जों से, इधर से निकलता है। तो उसी तरह से
ये हकूमत में जो कोलिशन में शामिल है जमातें, वो अपने एक माया सूरत अख्तियार करके अपने आप को इसमें से निकालना चाहती है। इनका ख्याल है कि अगर वो यहाँ से निकलेंगे तो उसके बाद उनका सर्वाइवल जो है, क्योंकि इनको तो बेसिकली सर्वाइवल का मसला है, जो हालात पैदा कर दिए इस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट ने उसमें तो इनके पास कुछ नहीं रह गया। इनके बारे में तो बच्चा बच्चा जो है वो, आप चाहे पाकिस्तान से बाहर बात कर रहे हो पाकिस्तानी कम्युनिटी से या पाकिस्तान के अंदर बात करें, तो बहुत कम पॉकेट्स ऐसी आएंगी जहां पर आपको ये सुनने में नहीं आएगा, जी चोर आ गए, देखें जी चोर आ गए, देखें जी डाकू आ गए, ये तो बड़े करप्ट हैं, ये तो ये एक पिछले 25-30 साल से, खास तौर पर जब से इमरान खान पैदा हुए सियासत में, तो वो एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। और जब इमरान खान नहीं थे तो उससे पहले भी हम इस्टेब्लिशमेंट के जो मुख्तलिफ भोंपू थे उनके थ्रू यही बातें सुनते, इन इनके भोंपुओं ने ही जो है वो नाम रखा जरदारी साहब का मिस्टर 10%। तो भाई अगर वो जब मिस्टर 10% थे तो आप कहाँ थे, आपने क्यों नहीं उनको रोका? जबकि केसेस हैं ये नवाज शरीफ के ऊपर 90s के करप्शन के, तो आप तो उनके साथ, आपके तो वो फेवरेट लाडू बच्चे थे, आप कहाँ थे उस वक्त? इसका मतलब आपका भी एहतसाब होना चाहिए, लेकिन नहीं, उस पर बात नहीं होती। तो क्योंकि मकसद जो है वो एहतसाब करना नहीं है, मकसद किसी को डिसक्रेडिट करना है, और वो डिसक्रेडिट ये जमातें हो चुकी हैं। अब इनको अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए ऐसे मवाफ़िक हालात जिसको जिसका इस्तेमाल करके ये अपना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सर्वाइवल यकीनी बना सके। और उसी मकसद के लिए ये, जिसे मैं कहती हूँ इस्तेमाल होना, ये इस्तेमाल होते रहते हैं, और इनका ख्याल होता है कि ये थोड़ा सा एक कॉम्प्रोमाइज है, ये करके एक बड़ा रास्ता जो है वो ले लिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जजों की नॉमिनेशंस थी जब हुई थी, तो आपके तारड़ साहब जो हमारे हैं लॉ मिनिस्टर, उन्होंने तो पब्लिकली कहा भी कि हमें तो कहा गया था और हम लोगों ने कर दी। क्यों कर दी आपने? आपने कॉम्प्रोमाइज किया, आपका ख्याल था कि आपको रिलीफ मिलेगा, आपका ये ख्याल क्यों था? ये हम जैसे, मतलब मेरे जैसे लोग जो बिल्कुल नाबल्द हैं, मैं अपने आप को तिफले मकतब तक नहीं समझती हूँ सियासत का, मेरा ख्याल है कि मैं एक बिल्कुल जाहिल हूँ इस मामले में, इसके बावजूद हम लोग ये कह रहे थे कि भाई आप देखें तो तेल तो देखें और तेल की धार तो देखें, ये जो कोर्ट्स हैं ये आपको रिलीफ देंगी, और किसके आप बातों में आ रहे हैं? ये जो फैज साहब वाला प्रोजेक्ट और इमरान खान का प्रोजेक्ट और इसमें जितने जो भी शामिल हैं, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे वो मीडिया पर्सन हैं, उनकी तो जबान कोई है ही नहीं। देखिए ना, उनके लिए तो अहद शिकनी कोई मसला ही नहीं है। इन्होंने एक नया कल्चर पैदा कर दिया ना, परवेज इलाही आज मानते हैं, कल उठ के वो चले जाते हैं इमरान खान के पास, कोई मसला ही नहीं है। बंदियाल साहब हाँ जो हैं वो कोई इनको कहते हैं कि ठीक है आप ये जजेस नॉमिनेट कर दें, मैं जो है आपके मैं प्रो इमरान जो है अपना जो भी कंडक्ट है उसको हम नहीं करेंगे, देखेंगे हम। लेकिन वो आपने देखा कि वो नहीं हुआ। इसी तरह से कितनी मिसालें हैं, कितनी मिसालें हैं, चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो मीडिया के लोग हों, वो एक बात करते हैं और उसके बाद जो है उससे पीछे मोड़ लेते हैं, मोर उनको कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं, इमरान खान को कोई पूछने वाला नहीं, वो झूठ बोलते हैं, तवातर के साथ झूठ बोलते हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया के साथ झूठ बोलते हैं, वो पाकिस्तानी मीडिया के, पाकिस्तानी मीडिया में तो वो टाइम ही उन लोगों को देते हैं जो उनके जो है वो लगता है कि उनके चमचे हैं सारे, तो जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होता है उसको तो वक्त ही नहीं दिया जाता। इंटरनेशनल मीडिया के लोगों को, बेचारों को कोई इतनी ज्यादा समझ नहीं होती, कोई इतना इनडेप्थ सवाल भी नहीं करता, बिकॉज वो एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए होता है, उसमें आप इनडेप्थ सवाल करने का आपके पास टाइम नहीं होता, तो इनको कोई चैलेंज नहीं करता। और ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तो ये तो सारा प्रोजेक्ट ही झूठ के ऊपर चल रहा है, ऐसे ही झूठ पे, अहद शिकनी पे और इस पे प्रोजेक्ट पे चल रहा है। तो आप कैसे ये समझ सकते हैं कि ये आपकी लफ्जों की लाज रखेंगे? तो बहरहाल ऐसा ही है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमने ये बात की ना कि हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा जो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है बहुत ज्यादा है इस वक्त, तो पता नहीं तारीख में इससे पहले इतनी ज्यादा हुई होगी, लेकिन अभी तो जो हमें नजर आ रही है, तो हम तो फिर इसमें ये जो इस वक्त एक जिसको पार्शल लॉ कहा जा रहा है, चले वो नाम ले लेते तो उससे हटके जो है इसके ऊपर इस नाम से कॉलम लिखे जा रहे हैं, तो वो हम हमारे जो हमसाया कंट्रीज है हम ये देखते हैं कि वहां पर भी जो पोलिटिकल कन्फ्रंटेशन है बहुत ज्यादा आजकल, और इससे पहले भी कई मरतबा ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि उस पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन की बिना पर वहां पे सिस्टम लपेटा जाए। यहाँ पर ऐसा होता है कि ये जो भाई सियासतदान आपस में लड़े हैं ठीक है, लेकिन इसके फिर रिजल्ट के तौर पर यहाँ पर कुछ और हो जाता है, ऐसा क्यों?
हाँ, असल में देखिए ना, जो बाकी जगह हैं वहाँ पर जो रिवायत होती है ना, जमहूरी रिवायत, वो ज़रा मजबूत है। हमारा कोई मुकाबला नहीं है किसी और कौम के साथ। अगर हमारा मुकाबला है किसी कौम के साथ, तो म्यांमार हो सकता है, या वो मिडिल ईस्ट की हो सकती हैं, जिनके साथ शायद कोई थोड़ा बहुत मुकाबला हो, लेकिन उनके साथ भी नहीं होता। वहाँ बादशाहते हैं ज़्यादातर के, और जहाँ पे जमहूरियत है, जैसे तुर्की में, वहाँ पे आपने देखा कि बहरहाल जमहूरी रिवायत हमारी निस्बत बहुत मजबूत है। तो हमारा तो इनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। जो जैसे आप कहते हैं कि जब पोलराइजेशन होती है, वैसे पोलराइजेशन आपको पता होगा कि यहाँ पे अमेरिका में बहुत ज़्यादा है पोलराइजेशन, खासतौर पे ट्रंप के बाद जो है ना, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन अभी तक है। और यूएसए में, यूके में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। फ्रांस के अंदर पोलराइजेशन कितनी ज़्यादा है, जर्मनी, जर्मनी जैसे मुल्क में पोलराइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये आप वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन आपको लग, श्रीलंका में देखें पोलराइजेशन कितनी ज़्यादा है, और तशद्दुद का रास्ता उसने इख्तियार कर लिया बांग्लादेश के। मुझे कोई मुल्क आप नाम लें और आपको जहन में आ जाएगा कि वहां पे बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है। तो ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है जिसमें हम बहुत माशाल्लाह एक्सेल कर रहे हैं। मैं ख्याल ये उन चंद चीजों में जिसमें हम एक्सेल करते हैं, जहालत में, गुर्बत में, तो हम करते ही हैं एक्सेल। जो आपने बात की कि हमारे यहाँ जो है वो फिर सिस्टम को लपेटने की बात आ जाती है, तो बात यह है कि जो सिस्टम, जमहूरी सिस्टम है ना, वो सूट नहीं करता जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जो छोटे छोटे इंटरेस्ट ग्रुप्स बने हुए थे ना मार्शल लॉज की वजह से, और जमहूरियत को पनपने ना देने की वजह से इंटरेस्ट ग्रुप्स बने हुए थे विद इन एस्टैब्लिशमेंट, मतलब डीप स्टेट का जैसे है, और फिर डीप स्टेट ने अपने बनाए हुए थे, पॉलिटिशियंस के अंदर थे इस तरह के लोग, जिन जो अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए जो है वो खत लिखते रहे हैं कि जी आप आए और आप ये बागडोर संभालें, क्योंकि सियासतदान, वो सियासतदान खुद लिखते रहे हैं, आपको मीडिया में नजर आ जाएंगे, आपको प्रोफेशनल एसोसिएशंस में नजर आ जाएंगे, जो ऐसे लोग हैं जो कि खुद से पेश करते हैं, तजवीज पेश करते हैं कि भाई आपको ये कर लेना चाहिए, अब आप लपेटें सिस्टम को। और आपने देख ही लिया, ये जो खवातीन दो जो हैं वो बात कर रही थी, जज साहब की एक सास थी और वो दूसरी उनकी तारिक रहीम साहब की बेगम साहिबा, और कहती कंबख्त मार्शल लॉ ही नहीं लगाते, मार्शल लॉ ही तो नहीं लगा रहे कंबख्त, तो उनको ये, तो यहाँ पर तो ये हालात हैं यहाँ पर। और अब जो एक खतरनाक सूरत हाल और पैदा हुई ना आलिया, वो ये है कि पहले तो इंटरेस्ट ग्रुप होता था, अब इंटरेस्ट इंडिविजुअल का बहुत इंडिविजुअलाइज हो गया है। अब आपने एक आर्मी चीफ होगा और उसको ये पता होगा कि मैं ताकतवर तरीन शख्स हूँ, और मैं, मेरे से कोई पूछ नहीं सकता, अनकाउंटेबल तरीन आदमी हूं मैं इस मुल्क का, और मैं सबसे दौलत दौलतमंद तरीन आदमी भी बन सकता हूं, हो सकते हैं वो, और होते भी रहे हैं। तो उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए नीचे वाले सारे जो हैं जर्नैल, वो जोर लगाएंगे कि हमें ये होना चाहिए, तो वो इंडिविजुअल गेम बन गई। इसी तरह से सेम आप सिचुएशन चीफ जस्टिस की आप ले लें, कोई भी कोर्ट हो, आप अनअकाउंटेबल हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं कर सकता, वरना तोहीन अदालत का मसला बन जाता है, या अदालत की, अदलिया की आजादी का मसला बन जाता है। और उस मनसब पर पहुंचने के लिए फिर सब जोर लगाते हैं और इंडिविजुअल गेम बन गई। और उसके लिए, उस मनसब पर पहुंचने के लिए आपकी जो पॉलिटिकल रास्ता, पॉलिटिकल लॉबी आपने अख्तियार करनी है, फिर आप उसका साथ देंगे, जो आपका ख्याल है कि आपके खिलाफ होगी आप उसको, तो आपने सारा सिस्टम जो है, जो देखिए वो जो होता है ना, देयर वाज अ मेथड इन मैडनेस, वो मेथड वो यही था कि इंटरेस्ट ग्रुप होते थे, हाथ मिलाते थे एक दूसरे से, और वो इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो अपना काम करते थे, और वो जी चल रहा था, वो एक चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, एक विशेष साइकिल था। और हम कहते थे कि हमने इस विशेष साइकिल को कैसे रोकना है, अब वो विशेष साइकिल एक नहीं रहा, वो कई विशेष साइकिल्स हो गए, सर्कल्स हो गए हैं, हाँ, इतने हर बढ़ गए। डिपार्टमेंट, हर आप किसके डिपार्टमेंट, जरिए रोकें, जर्नलिज्म से लेकर हर जगह पर ये हर जगह पे लोग अपनी किस सोच पहिए है। को रोकेंगे। और अब तो रोकना नहीं, अब तो मेरा ख्याल है कि ये चैलेंज है, अब इनको तोड़ना है, इस विशेष, इन विशेष साइकिल्स को तोड़ना है, तोड़ के, तोड़ मरोड़ के इनको पीस दें, पसपा कर दें, और उसके बाद नए सिरे से जो है तामीर शुरू करें अपने मुल्क की, एक सही, हीलिंग प्रोसेस शुरू करें। अच्छा लेकिन कौन करेगा, कैसे करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे ये कि ये जो बात कही जा रही है, तो क्या आप समझती हैं कि जो खान है उसको मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए,
और फिर इस तरीके से जो है वो थोड़ा हालात बेहतर हो जाएंगे, या उसको जो है इसके ऊपर फाइट करनी चाहिए? आपका इस बारे में क्या? देखिए, अगर मैं खुद इमरान खान हूं तो मुझे भी समझ नहीं आएगा कि क्या, क्योंकि एक तरफ तो वो कहते हैं जान बची सो लाख उपाय, एक तरफ आप मुल्क से बाहर जाएं और मुल्क से बाहर जाके आपके पास तो इमरान खान ने तो डिस्कवर कर लिया सोशल मीडिया की और वर्चुअल वर्ल्ड की एक ताकत, और आप जो है अपना यूट्यूब चैनल को ही यूज करते हुए जो है वो हाहाकार मचाए रखें, ट्विटर स्पेसेस के ऊपर बोलते रहें, तो क्या क्या बंद करेगी हुकूमत पाकिस्तान की, लोग वीपीएन जो है उससे देख लें। लेकिन सियासत से तो निकल जाएंगे ना, सियासत से तो सियासत से निकलना कोई इतना आसान तो नहीं है, अगर आप न्यूसेंस वैल्यू अपनी इंटैक्ट रखते हैं तो आप वापस आके किसी टाइम पे जैसे नवाज शरीफ साहब वापस आके दोबारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, और अभी मेरा ख्याल है कि अगर उनको अल्लाह ताला जिंदगी देता है, तंदुरुस्ती देता है, तो मेरा ख्याल है कि वो ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि वो दोबारा पाकिस्तान जा सकते हैं, उनकी हाँ अभी तो नजर डिस्क्वालिफिकेशन हो करवाएंगे। सकती है, तो अगर वो इस तरह करें, लेकिन मतलब ये फैसला कोई आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप ये इस तरह करेंगे तो आप वो नैरेटिव अपना खो देंगे जो आप बहुत अरसे से करते हैं कि जी भगोड़े हैं ये तो भाग गए, तो फिर आप खुद भी भगोड़े बन जाएंगे। तो ये है कि और आपका जो सपोर्टर है उसको मुश्किल हो जाएगा इस बात को हजम करना। तो अभी ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर रहकर वो जब अपना काम करते हैं और जिस तरीके से भी करें वो एक उन्हें जाहिर ताकत तो देगा, लेकिन ये है कि इमरान खान के अंदर इतना हौसला ही नहीं है कि वो कुछ सऊतें या मुसीबतें बर्दाश्त कर सके। ये नहीं वो मारे भी जा सकते हैं जो बात कही जा रही है ना। अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे, ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो, लेकिन अगर मेरा ख्याल है कि जो उनके ऊपर गलबा पाना पाना चाहती हैं ताकतें, अगर उन्हें कोई और रास्ता नजर नहीं आएगा, तो मैं उन ताकतों को इतना दूरंदेश नहीं समझती कि वो दूरंदेशी इसमें दिखाएंगे और कहेंगे कि नहीं, चलो हम ऐसे ही गुजारा करते हैं। वो मेरा ख्याल है कि बहुत कोई रेकलेस फैसला भी कर सकते हैं, या ऐसे लोग इस तरह का फैसला कर सकते हैं जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये इल्ज़ाम दिलवाना चाहते हो, कि आपने ये देखें जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही लड़ाई हो रही थी इमरान खान की, और देखें इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, और फिर जो है वो उल्टी गेम जो है वो पड़ जाए जो भी इस्टेब्लिशमेंट को लीड कर रहे हैं उनके ऊपर। तो ये एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है, इसमें जाहिर है कि और मैं तो मुमकिन समझती होगा ना कि हूँ क्योंकि इससे पहले और जो गुजरे आज हमारे जो कत्ल होते रहे, मारे जाते रहे हैं, तो जाहिर है कि उसका वो सबको सबके सामने ही है, तो फिर तो जाहिर है कि यही कहा जाएगा कि एक और वजीर आजम को जो है आपने वो कर दिया। हाँ, और वो हीरो वीरो बन जाएंगे, और यह है कि इमरान खान जो है वो उनको फिर एक हीरो के तौर पर पीटीआई को एक भुट्टो मिल जाएगा, जैसे पीपल्स पार्टी के पास भुट्टो हैं, और आप देखें हमें तो मालूम है कि इमरान खान कोई भुट्टो नहीं है, उसको वो तो मुकाबला भी नहीं कर सकता उसका, मगर यह है कि और 10 साल के बाद अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ मसला हो जाता है तो और 10 15 20 साल के बाद इमरान खान को भुट्टो से भी बड़ा लीडर जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है, और उनके नाम पर फिर इलेक्शन रहती दुनिया तक जो है वो जीते जा सकते हैं। तो और इस तरह का सिस्टम जो है वो जाहिर है कि बहुत से लोगों को सूट करता है, विद इन पीटीआई भी बहुत सारे लोगों को सूट करता है, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छी बात होगी। अब वक्त आ गया है कि हमारी पॉलिटिकल असैसिनेशंस बंद होनी चाहिए, और मेरा ख्याल इस्टेब्लिशमेंट को हर वो अमल करना चाहिए जिससे इमरान खान की जिंदगी को तहफ्फुज जो है वो उसको यकीनी बनाया जाए, ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट बल्कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसको भी, और ये किसी के हक में नहीं जाएगा। यानी कि आपने क्या समझा हुआ है कि आप वजीर आजम के बाद वजीर आजम मारते चले जाएंगे या उनको हथकड़ियां पहना के और अंदर देते चले जाएंगे। और ये मैं जरूर कहना चाहूंगी आलिया आपके प्रोग्राम की वसादत से, किसी को हक नहीं है कि वो किसी भी सियासी लीडर को कहे कि आप मुल्क से बाहर चले जाए, कौन होते हैं ये कहने वाले। इमरान खान के साथ हमारा जितना मर्जी इख्तलाफ है, मेरा तो बहुत इख्तलाफ है, मुझे तो वो जो है वो उनकी हर चीज से, मैं उनकी कोई एक चीज, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो कहते हैं नहीं जी उनका ये हेल्थ का प्रोग्राम बड़ा अच्छा था, ये जी उनका हेल्थ इंश्योरेंस बड़ा अच्छा था, बड़ी मेरे कान पक गए तारीफें सुन सुन के, और मैं उनको कहती हूँ कि मुझे उसकी एक चीज, और मेरे पास दलाइल है
एक तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम इनका नहीं था, वो इनसे पहले शुरू किया गया था, वो पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था, उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने उसको किया, और जिस वक्त, बल्कि नवाज शरीफ ने किया था, और जिस वक्त वो किया गया था उस वक्त यही मीडिया के लोग जो हैं वो उसके खिलाफ जो है वो बोलते थे। आपने एक क्लिप देखा होगा आफ्ताब इकबाल का, बहुत जब नवाज शरीफ ने शुरू किया था तो उसके खिलाफ बोल रहे थे, और बार बार वो इतने जोर दे के कहते थे कि ये तो एक करप्शन का एक शुरू करने है नया धंधा। और यही सेम प्रोग्राम जो है वो इमरान खान ने जब किया तो अब उसकी तारीफें 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 बगैर कोई आप देखे हुए कि ऑन ग्राउंड उस इस इंश्योरेंस कार्ड, ये जो हेल्थ कार्ड है, इसके सहूलत कार्ड कहते हैं जो भी कहते हैं, उसके पर्दे में क्या क्या हो रहा था और किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नवाजा जा रहा था। तो खैर बहरहाल ये एक अलग बहस है, लेकिन यह कि इमरान खान की मुझे किसी चीज से इत्तफाक नहीं। इमरान खान साहब की आप कोई एक चीज मुझे नहीं कह सकते कि उसने अच्छी, मुझे आप इस पे कन्विंस नहीं कर सकते कि उसने कोई एक चीज भी अच्छी की है। इसके बावजूद आलिया, मैं ये समझती हूँ कि ये कोई हल नहीं है कि इमरान खान को आप कहें कि आप या तो सियासत छोड़ दें या मुल्क ही छोड़ के चले जाएं। दैट्स नॉट द वे द पॉलिटिक्स शुड वर्क, दैट्स नॉट द वे द डेमोक्रेसी शुड वर्क। और पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि कोई इमरान खान को या किसी भी पॉलिटिशियन को इस तरह से दबा ना सके, इस तरह से डिक्टेट ना कर सके और इस तरह से सियासत से रोक ना सके। ये उनका हक है, उनके सपोर्टर्स का हक है, उनके वोटर्स का हक है, और इसको मेरा ख्याल है कि कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना ही किसी को डिनाई करना चाहिए। थैंक जी, थैंक यू सो मच मालवी समझ जी, थैंक यू सो मच फॉर योर यू, प्रेशियस टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक्स।